अगर तुमने एपिसोड देख लिया है तो पता होगा कि अयानो कुजी कितना ज़्यादा खतरनाक है। उसके कारनामों को देखकर ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो एक शैतान है। आज मैं इसी शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है उसे थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। एपिसोड 3 करविजावा के बुलिंग वाले सीन से शुरू हुआ और वो सिचुएशन इससे पहले कि हाथ से निकल जाए हामागुची जाकर उन लड़कियों को रोक लेता है और इसके बाद जो होता है अयानो कोजी को उसी का डर था। हामागुची के हेल्प करने के बावजूद कारुइजावा उसे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देती है, यहाँ तक कि एक छोटा सा थैंक्स भी नहीं बोलती। अयानो कोजी यहाँ पर कारुइजावा की हेल्प नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक सेल्फ सेंटर्ड और इगोइस्ट लड़की है। कारुइजावा से सीधे तौर पर कुछ काम करवाना नामुमकिन है, इसीलिए अयानो कोजी उसे एक बार तोड़ना चाहता था ताकि जब वो फिर से जुड़े तो वो अयानो कोजी के कंट्रोल में रहे। तो अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अयानो कोजी एक जाल बिछाता है। क्रूज शिप के एक बिछड़े हुए हिस्से में कारुइजावा ये सोचकर आती है कि हिराटा ने उसे बुलाया है, मगर वहाँ पर वो फिर से क्लास C के पुलिस का सामना करती है और इस बार वो लोग अपने साथ एक सहमी हुई रिका को लेकर आते हैं। वो लोग कारुइजावा की फोटोज लेते हुए उसे मारने लगते हैं और रिका को भी उस पर हाथ आजमाने कहते हैं। पहले तो रिका उसे बस थोड़ा थोड़ा छू कर देखती है और धीरे धीरे करके वो कारुइजावा को इतना तेज चमाटा मारती है कि देख कर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ये सब देखते हुए मुझे तो काफ़ी गुस्सा आने लगा था क्योंकि बुलिंग से ज़्यादा तो ये एक असॉल्ट की तरह लग रहा था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा मज़ा उसे ही मिल रहा होगा। अयानो को जी ये सब देखकर बस अपने कंक्लूजन्स निकाल रहा था कि कैसे सरकमस्टेंसेस चेंज होने पर ह्यूमन बिहेवियर भी आसानी से चेंज हो जाता है। मुझे तो लग रहा था कि अयानो को जी बीच में आकर उसे वहाँ से बचा लेगा, मगर वो तो चाहता था कि कारुइजावा इन सब के बीच पिस कर धूल बन जाए ताकि वो उसे अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर दे पाए। कारुइजावा को बुरी तरह से मारने के बाद वो सब चले जाते हैं और कुछ वक्त बाद अयानो कोजी आकर उससे मिलता है। अयानो कोजी यहाँ पर उससे काफ़ी र्यूडली बात करता है और कुछ अजीब सवाल पूछता है। पहली बार में लगा कि अयानो कोजी भी उन बुलिस की तरह क्रूएल होगा, मगर वो चेक कर रहा था कि कारुइजावा पूरी तरह से टूटी है या नहीं। वो सिर्फ उसके सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड को ही तोड़ना चाहता था और वो इसमें कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल रहा क्योंकि कारुइजावा उसे लिटरली अपना बॉडी ऑफर करने को तैयार रहती है, वो भी बिना कोई हेजिटेशन। और यहाँ पर अयानो को जी उसके ड्रेस को ऊपर करने के बाद कुछ नोटिस करता है। शायद से सबको ये नहीं दिखा होगा, मगर कारुइजावा के बॉडी पर एक घाव का निशान होता है। ये क्यों है वो तो बताया नहीं जाता है, मगर प्रोबेबली ये उसके पास्ट पुलिस का काम होगा। और इसके बाद क्योंकि अयानो को जी के सारे कंडीशंस चेक हो गए थे तो वो कारुइजावा को हेल्प करने का वादा करता है। अगर अयानो को जी इस इंसिडेंट से पहले उसकी मदद करने की कोशिश करता या उसे मदद मांगता तो कारुइजावा का ईगो बीच में टांग अड़ा देता। अब क्योंकि उसके ब्रेन का फ्यूज उड़ गया है तो वो इजीली कुछ भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आता है स्पेशल टेस्ट का आखिरी मीटिंग। मार्स ग्रुप अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं क्योंकि क्लास 1 के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे होते हैं ये बोलकर कि कोई ट्रेटर होगा तो सब बिगाड़ देगा। फाइनली कुछ इधर उधर की बातों के बाद वो लोग एक कंक्लूजन पर आते हैं और एक एक करके अपने फ़ोन दिखाते हैं कि वो VIP नहीं है। इसी तरह से पता चलता है कि क्लास D से युकिमुरा VIP बना है। बेस्ट केस सिनारियो यही होगा कि सब लोग मिलकर सही ईमेल भेजें ताकि सबको पॉइंट्स मिले, मगर इचिनो से सबको दिखाती है कि असल में युकिमुरा के पास अयानो कोजी का फ़ोन है और वो एक्चुअल VIP है। इसके बाद टेस्ट ख़त्म होता है और पता चलता है कि क्लास A से 200 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। ये सब प्रोबेबली उनके अजीब टैक्टिक्स की वजह से हुआ होगा, मगर इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा पॉइंट्स क्लास C के पास होते हैं, पूरे 100 क्लास पॉइंट्स। ये देखकर पक्का था कि धीरे धीरे करके रियुएन इस स्कूल के वर्किंग सिस्टम को समझता जा रहा है। इस बात से अयानो कोजी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और मुझे लग रहा है कि आगे जाकर क्लास A से ज़्यादा खतरनाक तो अकेला रियुएन होने वाला है। हर एक एपिसोड के साथ रियुएन और शातिर बनता जा रहा है। और मैं ये तो बताना भूल ही गया कि हमारे क्लास D को 50 क्लास पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स उन्हें प्रोबेबली अयानो कोजी की वजह से मिले होंगे। अगर एपिसोड देख लिया होगा तो पता होगा कि एक्चुअल VIP अयानो कोजी नहीं बल्कि कारुइजावा थी। अयानो कोजी ने पहले तो उसके साथ अपना फ़ोन और सिम कार्ड दोनों स्वैप कर लिया और फिर उसी फ़ोन को वो एक और बार युकिमुरा के साथ स्वैप करता है ताकि कारुइजावा की आइडेंटिटी कभी एक्सपोज ना हो। ये प्लान सक्सेसफुल रहा क्योंकि अयानो कोजी ने कारुइजावा के साथ अपना सिम भी एक्सचेंज किया था। सिम एक्सचेंज करना स्कूल में अलाउड नहीं है, इसीलिए अयानो कोजी ने अपने होम रूम टीचर से सिम बदलने का टेक्निक खरीद लिया।
शायद कुछ गिने चुने लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि स्कूल में पॉइंट से सब कुछ खरीदा जा सकता है और अयानो कोजी उन्हीं में से एक है। अयानो कोजी को वीआईपी समझकर किसी ने अपने ग्रुप को धोखा देकर ईमेल भेजा होगा जिससे क्लास डी को फायदा मिल गया। अयानो कोजी के इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से क्लास डी इस टेस्ट को कम से कम सर्वाइव तो कर पाई, वरना उनकी डूबती नाव को बचाना नामुमकिन लग रहा था। अगर एक सिंपल गेम जैसे दिखने वाले टेस्ट में अयानो कोजी इतने बड़े बड़े कांड कर सकता है, तो फिर जहाँ इस तरह के चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वो क्या क्या करेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता। इस एपिसोड के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, मगर मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो सॉरी, क्योंकि मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। अगले एपिसोड को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तो रिव्यू को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और देखने के लिए शुक्रिया।